हेलो एवरीवन, वंडरस्लेट में आपका स्वागत है। आज का क्विज विषय है 16 फरवरी करंट अफेयर्स 2019 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। यह भारत की पहली अर्ध सबसे तेज ट्रेन है। ऑप्शन ए वंदे मातरम एक्सप्रेस, ऑप्शन बी वंदे भूमि एक्सप्रेस, ऑप्शन सी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन डी वंदे दुरी एक्सप्रेस। सही जवाब है ऑप्शन सी वंदे भारत एक्सप्रेस। 15 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली देश की दूसरी सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली में हरी झंडी दिखाई। क्वेश्चन नंबर 2। अनूप सतपति समिति ने भारत में श्रमिक के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मासिक न्यूनतम वेतन को दोगुना कर करने का प्रस्ताव दिया है। ऑप्शन ए रू 4576, ऑप्शन बी रू 9750, ऑप्शन सी रू 8311, ऑप्शन डी रू 6520। सही जवाब है ऑप्शन बी रू 9750। रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के संबंध में समीक्षा करने और उसकी पद्धति सुझाने के लिए वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के फेलो डॉ अनूप सतपथी की अध्यक्षता में 17 जनवरी 2017 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के जरिए 14 फरवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा पोषण आवश्यकताओं को आधार बनाकर विशेषज्ञ समिति ने आवश्यकता आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 375 रुपए प्रतिदिन 9750 रुपए प्रति माह तय करने का सुझाव दिया है, जो जुलाई 2018 के अनुरूप है। समिति ने अतिरिक्त हाउस रेंट भत्ते की भी सिफारिश की है, जो शहरी मजदूरों के संबंध में औसतन 55 रुपए प्रतिदिन 1430 रुपए प्रति माह तय की गई है। क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के तहत असंगठित श्रमिक का वेतन डॉट से कम या उसके बराबर होना चाहिए। ऑप्शन ए रू 15,000, ऑप्शन बी रू 10,000, ऑप्शन सी रू 12,000, ऑप्शन डी रू 13,000। सही जवाब है ऑप्शन ए रू 15,000। श्रम और रोजगार मंत्रालय कल्याणी द 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना लॉन्च करेगा। अंतरिम बजट में घोषित इस योजना को मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचित किया है। देश के असंगठित क्षेत्र में 42 करोड़ श्रमिक काम करते हैं। इस योजना के पात्र 18-40 वर्ष की आयु समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसाय के श्रमिक होंगे, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए प्रति महीने या उससे कम है। क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के तहत न्यूनतम निश्चित पेंशन कितनी है। ऑप्शन ए रू 3,000, ऑप्शन बी रू 5,000, ऑप्शन सी रू 2,000, ऑप्शन डी रू 6,000। सही जवाब है ऑप्शन ए रू 3,000।
श्रम और रोजगार मंत्रालय कल यानी 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना लॉन्च करेगा। अंतरिम बजट में घोषित इस योजना को मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचित किया है। देश के असंगठित क्षेत्र में 42 करोड़ श्रमिक काम करते हैं। PMSYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने 3000 रुपये न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुशील चंद्र, ऑप्शन बी जगदीश भगवती, ऑप्शन सी सुनील नारायण, ऑप्शन डी राम सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए सुशील चंद्र। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन CBDT प्रमुख और IIT स्नातक व 1980 बैच के IRS अधिकारी सुशील चंद्र को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी 6 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का है या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे स्पोर्ट स्टार एसेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रकाश पादुकोण। खेल पत्रिका स्पोर्ट स्टार ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया है। अपने समय के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को लाइफटाइम अवार्ड से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक सूडानी शरणार्थी बंदी को शरणार्थियों के साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किए जाने वाले व्यवहार को अमानवीय उपचार के रूप में वर्णित करने के लिए मार्टिन एनल्स मानवाधिकार पुरस्कार मिला है। उस पुरस्कृत व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन ए अब्दुल अजीज मुहम्मद, ऑप्शन बी मार्क चागल, ऑप्शन सी लुकियन फ्रायड, ऑप्शन डी अली राजा। सही जवाब है ऑप्शन ए अब्दुल अजीज मुहम्मद। सूडानी शरणार्थी अब्दुल अजीज मुहम्मद को मार्टिन एनल्स मानवाधिकार पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, GOHP और विश्व बैंक ने शिमला क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ और विश्वसनीय पेयजल लाने में मदद करने के लिए ऑप्शन ए $200 मिलियन, ऑप्शन बी $80 मिलियन, ऑप्शन सी $150 मिलियन, ऑप्शन डी $90 मिलियन। सही जवाब है ऑप्शन ए $200 मिलियन। भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, GOHP और विश्व बैंक ने ग्रेटर शिमला क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ और विश्वसनीय पेयजल लाने में मदद करने के लिए $40 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो पानी की गंभीर कमी और जलजनन का सामना कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में महामारी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सरकार ने 72,400 नए 6 और असॉल्ट राइफल्स के साथ भारतीय सेना के प्रयोग के लिए फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट FTP के तहत अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये नई राइफलें लगभग ऑप्शन ए 300 करोड़ रू, ऑप्शन बी 700 करोड़ रू, ऑप्शन सी 450 करोड़ रू, ऑप्शन डी 1000 करोड़ रू। सही जवाब है ऑप्शन बी
700 करोड़ रू, ये नई राइफलें लगभग रू की लागत पर आएंगी। 700 करोड़ और चीन की सीमा के साथ तैनात सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस राज्य ने सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना MVPY है, जो सभी राज्य में सरकार से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे 60 वर्ष से अधिक आयु से अधिक के लोगों को 400 रू की मासिक पेंशन की सुविधा प्रदान करती है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना की घोषणा की, जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना MVPY, जो रुपए की सुविधा प्रदान करती है 60 वर्ष से ऊपर के राज्य में सभी के लिए 400 मासिक पेंशन जो सरकार से पेंशन नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत ने पाकिस्तान को दी गई MFN स्थिति को वापस ले लिया है। MFN में F का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अनुकूल, ऑप्शन बी वित्तीय, ऑप्शन सी वित्त, ऑप्शन डी राजकोषीय। सही जवाब है ऑप्शन बी वित्तीय। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमले के बाद, जिसमें CRPF के 44 जवान मारे गए, भारत ने MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है, जो उसने पाकिस्तान को दिया था। क्वेश्चन नंबर 13। नासा ने घोषणा की कि उसका अपॉर्चुनिटी रोवर मिशन पूरा हो गया है। यह नासा द्वारा _ ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2007। सही जवाब है ऑप्शन बी 2003। रोबोट रोवर, जो 15 वर्षों से लाल ग्रह की सतह पर भटक रहा था, को नासा ने जुलाई 2003 में अपने मंगल अन्वेषण रोवर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी ओपी रावत, ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन डी सुनील चंद्र। सही जवाब है ऑप्शन ए सुशील चंद्रा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष सुशील चंद्रा को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 15। भारत ने पाकिस्तान को दी गई MFN स्थिति को वापस ले लिया है। किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान को यह प्रदान किया था? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1996। सही जवाब है ऑप्शन डी 1996। भारत ने WTO के गठन के एक साल बाद 1996 में पाकिस्तान को MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए RS शर्मा, ऑप्शन बी प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन सी RK सिंह, ऑप्शन डी बिमल जालान। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रमोद चंद्र मोदी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति SEC ने वरिष्ठ IRS अधिकारी प्रमोद चंद्र मोदी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह सुशील चंद्रा को सफल करेंगे, जिन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग PETA द्वारा सेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ब्रैडली कूपर, ऑप्शन बी
Denzel Washington, option C. Johnny Depp, option D. Brad Pitt. सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रैडली कूपर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स PETA द्वारा ब्रैडली कूपर को ओस्कर से सम्मानित किया गया है। पशु अधिकार संगठन ने कूपर को कुख्यात पशु प्रदर्शक द्वारा आपूर्ति किए गए एक का उपयोग करने के बजाय स्टार एबोर्न में अपने स्वयं के कैनाइन साथी को चुनने के निर्णय के लिए सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 18 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी आय _18 to 40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के हैं इस योजना के लिए योग्य होंगे ऑप्शन ए 18,000 रू ऑप्शन बी 5,000 रू ऑप्शन सी 15,000 रू ऑप्शन डी 10,000 रू सही जवाब है ऑप्शन सी 15,000 रू असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह से कम है और जो 18 to 40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं योजना के लिए पात्र होंगे क्वेश्चन नंबर 19 विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है पहली बार मनाया गया था ऑप्शन ए 1946 ऑप्शन बी 1956 ऑप्शन सी 1999 ऑप्शन डी 2012 सही जवाब है ऑप्शन डी 2012 13 फरवरी को चुना गया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र रेडियो यूनाइटेड नेशन की अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवा 13 फरवरी 1946 को स्थापित की गई थी क्वेश्चन नंबर 20 आयुष मंत्रालय द्वारा ई औषधि पोर्टल ऑनलाइन लाइसेंसिंग के लिए शुरू किया गया है ऑप्शन ए आयुर्वेदिक चिकित्सा ऑप्शन बी यूनानी चिकित्सा ऑप्शन सी होम्योपैथिक चिकित्सा ऑप्शन डी ये सभी सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी आयुर्वेद सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आयुष श्रीपद येसो नाइक के मॉस द्वारा ही आयुषी पोर्टल लॉन्च किया गया है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कॉमेंट करें एंड आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।